नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। बिहारी बाबू नीतीश कुमार तो खामखा ही बदनाम है, जबकि पलटी मारने वाले नेताओं की यूपी में भी कोई कमी नहीं है। इनसे मिलिए पलटू राम नंबर वन। ये है योगी कैबिनेट के नए मंत्री ओम प्रकाश राजभर। वही राजभर जो कुछ समय पहले तक बीजेपी को यूपी से खदेड़ने की बात करते थे। वही राजभर जो यूपी के सीएम आदित्यनाथ पर खूब जुबानी हमले करते थे और अपराधियों को संरक्षण देने की बात करते रहे। 1 लाख का इनामी कहाँ है योगी जी? उसको गिरफ्तार नहीं कर सकते हो? अभी कोई गरीब, कमजोर, पिछड़ा, दलित, वंचित झगड़ा कर ले तो तुम्हारी पुलिस जाके लतियाने लगती है। हिम्मत है तो 120 भी का मुलजिम भी है ना अजय मिश्रा टेनी, क्यों नहीं गिरफ्तार करते हो? वो राजभर आज यूपी के सीएम योगी के सामने ही मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। अब जरा इनसे मिलिए। ये है पलटू राम नंबर टू, दारा सिंह चौहान, जो कभी बीजेपी में मंत्री थे लेकिन अपने ऊपर लगे बालू खनन और परिवारवाद जैसे संगीन आरोपों के बाद बीजेपी से भाग खड़े हुए थे। योगी के खिलाफ खूब जहर भी उगला और अब लोकसभा चुनाव से पहले फिर बीजेपी का दामन थाम लिया है और सीएम योगी के सामने ही कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली। अब इसी तरह से दलित मतदाताओं को साधने के लिए राष्ट्रीय लोकदल के दलित नेता अनिल कुमार को भी कैबिनेट मंत्री और ब्राह्मण वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी के साहिबाबाद से विधायक सुनील शर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। और इस तरह योगी मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद मंत्रियों की संख्या बढ़कर अब 56 हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत और आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। आज मोहम्मद रफी साहब का एक बड़ा पुराना गाना याद आ रहा है जिसके बोल कुछ इस तरह थे, हुए हम जिनके लिए बर्बाद वो हमको चाहे करें ना याद, जीवन भर जीवन भर उनकी याद में हम गाए जाएंगे गाए जाएंगे। दरअसल ये गाना इस वक्त पूरी तरह सटीक बैठता है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर, क्योंकि जो नेता कभी उन्हें भर भर के गालियां दिया करते थे, उन्हें सत्ता से बाहर करने की बात किया करते थे, उन्हीं पलटूराम गालीबाज नेताओं को भी सीएम योगी आज गले लगाने को तैयार हैं, जिसका ताजा नमूना अभी हमने आपको ओपी राजभर और दारा सिंह चौहान के रूप में दिखाया। खैर, आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि यूपी की राजनीति में लंबे समय से जिस बात का इंतजार हो रहा था अब वो पूरा हो गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार के दूसरे कार्यकाल का मंत्रिमंडल विस्तार हो गया है। मंगलवार शाम को प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने योगी कैबिनेट के 4 नए मंत्रियों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिनमें सुहेल देव भारतीय जनता पार्टी के नेता, ओम प्रकाश राजभर बीजेपी विधान परिषद सदस्य, दारा सिंह चौहान साहिबाबाद से बीजेपी के विधायक सुनील शर्मा और आरएलडी से विधायक सुनील कुमार ने मंत्री पद की शपथ ली। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि सुनील शर्मा और अनिल कुमार का नाम योगी मंत्रिमंडल की लिस्ट में दूर दूर तक नहीं था। बताया ये भी जाता है कि सुनील कुमार शर्मा का नाम तो मंगलवार सुबह तक इस लिस्ट में नहीं था, तो फिर इन दोनों नेताओं की एंट्री अचानक योगी मंत्रिमंडल में कैसे हो गई? तो चलिए सबसे पहले आपको इन दोनों के बारे में ही बताते हैं। बात करें साहिबाबाद से विधायक सुनील कुमार शर्मा की, तो उनकी गिनती बड़े ब्राह्मण नेताओं में होती है। शर्मा 3 बार के विधायक हैं। सबसे पहले वो 15वीं विधानसभा में गाजियाबाद की सीट से विधायक चुने गए थे। इसके बाद 17वें और 18वें विधानसभा चुनाव में साहिबाबाद से बीजेपी प्रत्याशी बनकर जीते। बताया जाता है कि 2017 के विधानसभा चुनाव में सुनील शर्मा सबसे ज्यादा वोटों से जीते थे। वहीं 2022 के चुनाव में भी उन्होंने शानदार जीत दर्ज की। शर्मा को सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का करीबी माना जाता है और इसी वजह से कयास लगाए जा रहे हैं कि योगी का खास होने की वजह से ही सुनील शर्मा को उनके कैबिनेट में जगह मिली है। तो चलिए अब बात करते हैं आरएलडी विधायक अनिल कुमार की। आरएलडी के एनडीए में शामिल होने के बाद उनके मंत्री अनिल कुमार की योगी मंत्रिमंडल में शामिल होना सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। अब सूत्रों की माने तो दलित नेता अनिल कुमार की जगह दो दूसरे नेताओं का नाम मंत्री बनने की रेस में आगे था, लेकिन काफी सोच समझकर आरएलडी से दलित चेहरे के तौर पर मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से विधायक अनिल कुमार को मौका दिया गया है। इस बात की पुष्टि शनिवार की रात ही आरएलडी अध्यक्ष जयंत कुमार ने कर दी थी। कहा जा रहा है कि आरक्षित सीट से वोटर्स को साधने के लिए अनिल कुमार को योगी कैबिनेट में जगह दी गई है। इससे पहले अनिल कुमार पिछले विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव की पार्टी सपा में थे। उन्हें आरएलडी के सिंबल पर चुनावी मैदान में उतारा गया था। वहीं उससे पहले 2012 के विधानसभा चुनाव के वक्त अनिल कुमार मायावती की बसपा में थे।
अब बात उन दो बागी नेताओं की जो हमेशा से यूपी सीएम के लिए नासूर का काम करते रहे हैं। इनमें पहले हैं बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी की साइकिल पर सवार हुए सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर। जब साइकिल की हवा निकली तो नेताजी वापस बीजेपी में लौट आए, जिन्हें बीजेपी ने फिर से कैबिनेट मंत्री बनाया है। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव में बीजेपी छोड़ समाजवादी पार्टी से विधायक बने और अब फिर बीजेपी में लौटकर घोसी से विधानसभा का उपचुनाव हारने के बाद भी दारा सिंह चौहान को भी पार्टी ने कैबिनेट मंत्री बनाया। दरअसल ये सब लोकसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले हो रहा है। वजह है कि यूपी में बीजेपी 80 लोकसभा सीटों में से ज्यादा सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर चुकी है। ऐसे में हमने ये जानने की कोशिश की कि इस छोटे से मंत्रिमंडल विस्तार से बीजेपी को कितना फायदा मिलेगा। अब सियासत में कब क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको याद दिला दें, जब ओपी राजभर समाजवादी पार्टी के लिए 2022 में प्रचार करते थे तो उन्होंने एक बार नहीं बल्कि कई बार यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में तीखी बातें कही थी। दारा सिंह चौहान भी बीजेपी छोड़ने के बाद योगी आदित्यनाथ पर हमलावर रहते थे। ओम प्रकाश राजभर ने तो यहां तक कहा कि योगी को वापस मठ में चले जाना चाहिए। लेकिन अब देखिए, योगी को मठ भेजने वाले अब उन्हीं के सामने खड़े होकर मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। यूपी की राजनीति पर लंबे समय से नजर रखने वाले कुछ वरिष्ठ पत्रकारों की माने तो ऐसा करके बीजेपी ये दिखाना चाहती है कि कोई उससे नाराज नहीं है। 2014 और 2017 में अमित शाह खुद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पूरी तरह से शामिल थे। उस वक्त शाह ने जातियों के समीकरण को खुद साधने की कोशिश की थी और ये तो सब जानते हैं कि शाह की इजाजत के बिना तो ये सब हो ही नहीं सकता है। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि जिन चार लोगों को मंत्री बनाया गया है वो राज्य सरकार को बाईपास कर सीधे केंद्रीय नेतृत्व से मिले और दिल्ली से अपना रास्ता बनाकर यूपी में लौटे हैं। इसका मतलब साफ है कि ये चार नेता सीएम योगी की मर्जी से नहीं आए हैं। अब यहाँ सवाल ये खड़ा होता है कि क्यों बार बार योगी आदित्यनाथ की अनदेखी की जा रही है और क्यों पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राज्य के फैसलों में हस्तक्षेप करके सीएम पर अलग तरह का प्रेशर बनाना चाहता है। अमित शाह के बारे में कहा जाता है कि वो बीजेपी में सभी जातियों को शामिल करके सामंजस्य दिखाना चाहते हैं। सीएम योगी जो गोरखपुर से आते हैं खुद इस बात को अच्छे से समझते हैं कि यूपी में निषाद जैसी पिछड़ी जातियों का काफी महत्व है, तो इन नेताओं के पुराने हमलों और उनके बीजेपी सरकारों को छोड़कर सपा के साथ जाने के फैसलों को कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं लेता है। जाति समीकरण वाले सवाल पर वरिष्ठ पत्रकार ये मानते हैं कि जो इन जातियों के नेता हैं तो भले ही अपने बलबूते पर चुनाव जिता नहीं सकते पर कुछ सीटों पर हरवा जरूर सकते हैं। वैसे भी यूपी में बीजेपी का अलग अलग जातियों को जोड़कर हिंदू एकीकरण से अपने राजनीतिक आधार को और मजबूत बनाना पार्टी का पुराना तरीका रहा है। 90 के दशक की बीजेपी के दो बड़े चेहरों को याद करते हुए वो बताते हैं कि पहले बीजेपी कल्याण सिंह और उमा भारती जैसे कद्दावर नेताओं को बढ़ावा देकर अपने संकल्प को दर्शाने की कोशिश करती थी, लेकिन अब बदलते दौर की राजनीति को देखते हुए बीजेपी यह समझ चुकी है कि अगर वो इन जातियों को उनकी शर्तों पर जगह नहीं देंगे और ओबीसी राजनीति में गैर यादव राजनीति करने वाले नेताओं को जगह नहीं देंगे तो कभी अपने चुनावी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएंगे। बीजेपी ओबीसी वोटर्स को ये दिखाना चाहती है कि वो उनके भरोसे के लायक हैं और उनके साथ हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो 90 के दशक से बीजेपी अगर 2024 तक पहुंची है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान राम मंदिर मुद्दे का है और पूर्ण बहुमत तक पहुंचाने में दूसरा बड़ा योगदान ओबीसी और दलितों का है। आरएलडी के सपा का साथ छोड़ बीजेपी के साथ चुनाव लड़ने के फैसले के बाद मुजफ्फरनगर की पुरकाजी सीट से दलित चेहरा और विधायक अनिल कुमार को भी योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया गया। ये पार्टी यूपी वेस्ट में खासा दबदबा रखती है, लेकिन आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को मालूम है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं। जानकारों की माने तो बिना आरएलडी की मदद से बीजेपी पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाटों का वोट ले रही थी। ऐसे में बीजेपी आरएलडी गठबंधन से कोई खास बड़ा फायदा नहीं पहुंच रहा है, लेकिन कुछ इलाकों में मार्जिन बढ़ने की उम्मीद जरूर है। इस गठबंधन का मकसद पश्चिमी उत्तर प्रदेश में विपक्ष को राजनीतिक और चुनावी रूप से बेअसर करना माना जा रहा है और इसीलिए आरएलडी को एक मंत्री पद देकर बीजेपी ने मुजफ्फरनगर और बिजनौर में राजनीतिक सामंजस्य बिठाने की कोशिश की है। इसी तरह से ओपी राजभर को लेकर राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी को भी राजभर जैसे लोगों की जरूरत होती है, क्योंकि राजभर बिरादरी उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की राजनीति का अहम हिस्सा है।
लेकिन किसी चुनाव में ये छोटी छोटी जातियां अगर किसी दूसरे के साथ नहीं जाती हैं, तो ये अपने आप में कोई निर्णायक भूमिका नहीं निभा सकती हैं। 2024 के समीकरणों को देखते हुए ऐसा लगता है कि बीजेपी एक एक वोट को जोड़ना और बटोरना चाहती है, और इसीलिए उसकी ये राजनीतिक मजबूरी है। तो दोस्तों, ये तो बात हुई योगी कैबिनेट में हुए छोटे से विस्तार और उससे आगामी चुनाव में मिलने वाले फायदे और नुकसान की। अब चलते चलते आपको ये और बताते चलें कि योगी सरकार की कैबिनेट में अभी तक जो 52 मंत्री थे, उनमें से 21 सवर्ण बिरादरी, 21 ओबीसी वर्ग और 9 मंत्री दलित समाज से थे। लेकिन अब योगी कैबिनेट की गिनती बढ़कर 56 हो गई है। वहीं चुनावी साल के मद्देनजर योगी के यूपी मॉडल को राजनीतिक जानकार त्रिशूल के रूप में देख रहे हैं, जिसकी एक धुरी पर है राम, दूसरी पर राशन और तीसरी पर है रिप्रेजेंटेशन। आसान भाषा में समझाएं तो राम का मतलब हिंदुत्व, राशन का मतलब है कल्याणकारी योजनाएं और रिप्रेजेंटेशन का मतलब सभी जातियों को राजनीति में हिस्सेदारी देना है। आगामी चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने रणनीति तो जबरदस्त बनाई है, लेकिन धरातल पर ये कितने सटीक तरीके से काम करेगी, इसका पता भी अगले महीने दो महीने में चल ही जाएगा। तब तक आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।